इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि देखिए आपको इस तरीके से प्रॉब्लम दिखाई देती होगी, नो पास की अवेलेबल देयर रेंट पास की google.com ऑन दिस डिवाइस। तो बेसिकली ये क्या इशू रहता है जब भी हम अपना अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ प्रॉपरली, जब यहाँ पर हम गूगल अकाउंट को ऐड करते हैं, क्योंकि पूरा सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा जिससे कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसके लिए हमारे पास दो फ़ोन है, ठीक है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। इसमें दोनों में ही यहाँ पर आपको मैं इसका प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम गूगल अकाउंट को लॉगिन करते हैं, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं, जो भी हमारा पासवर्ड हो, ठीक है। तो इसे हम एंटर करते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है हम अपना जो ईमेल है वो डालते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसको जो है हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हम ट्राई, ये पासवर्ड हमें पता नहीं है, हम ट्राई अनदर वे पर टिक करते हैं और यूज़ योर की पर यूज़ करते हैं, तो तब ये इशू हमें क्रिएट हो रहा है। अब तो जान लीजिए इसके सोल्यूशन के बारे में, इसलिए हमें दूसरा फ़ोन भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए ये इशू कब आता है, जब हम देखिए यहाँ पर अपने गूगल अकाउंट पर जाइए, जो ये ईमेल डाला, ये इसमें मैंने लॉगिन कर रखा है। अब मैं प्ले स्टोर में जाता हूँ और यूट्यूब में चले जाइए, किसी में भी चले जाइए, आपको गूगल अकाउंट खोलना है, बस गूगल अकाउंट को यहाँ से खोलिए, ठीक है, और आप सिक्योरिटी पर जाइए, ठीक है, ये रही सिक्योरिटी, इस पर जाइए। अब इस पर आप चेक करिए कि देखिए ये वाला ईमेल है ये जो हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, इस पर देखिए कि पासवर्ड स्कीप वाला ऑप्शन लग तो नहीं रहा है। अगर इस पर पासवर्ड स्कीप वाला ऑप्शन लग रहा है ये वाला, तो इसमें आप बिना पास की के एक्टिवेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले कि पास की होती क्या है। पास की मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता रखा है कहीं में, बट यहाँ पर ज़रूरी है आपको कि इस बार भी आपको समझा दूँ। देखिए पास की का मतलब ये होता है कि आप बिना पासवर्ड के एंटर कर सकते हैं, लेकिन पास की होता वही मोबाइल है जिसमें ये एक्टिवेट किया हुआ हो। अब ये जो एक्टिवेट होता है ये आपका जो है पूछता है फिंगरप्रिंट फेस लॉक, ठीक है। अब फेस लॉक इसमें एक्टिवेट है, पास की इसमें एक्टिवेट है, तो इसमें पासवर्ड का कोई महत्व नहीं रहता बिल्कुल भी। पास की सिर्फ उसी डिवाइस में वर्क करेगी जिसमें यहाँ पर इनेबल किया होगा, इनेबल कर रखा होगा या ऑथेंटिक होगा। इसी तरीके से आपका पासवर्ड आ जाता है बिल्कुल जब ये साइन इन होता है, ठीक है, और आपको इसी तरीके से ये शो कर जाता है। अब जैसे यहाँ पर शो करा या यहाँ पर पास की के अंदर गया और डिवाइस देख सकते हैं हमारा कौन सा, ये दूसरा डिवाइस है, ये दूसरा डिवाइस है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर एक्टिवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इशू आता है कि नो पास की अवेलेबल और ये वाला इशू, ठीक है। अगर आप इसको इसमें डिवाइस में लॉग इन करेंगे तो ही यहाँ पर ये एक्टिवेट होगा पास की से, वरना आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये इसका मैटर रहता है। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।